यौन शोषण करने वाला आरोपी फरार। थाने के चक्कर लगाते लगाते थक चुकी पीड़ित महिला, इंसाफ न मिलने के चलते खुद को मरना बेहतर बताया। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के मैनाठेर थाना क्षेत्र की एक महिला ने जिला संभल के एक युवक पर प्यार के झांसे में फंसाकर शादी का झांसा देकर 3 साल तक दिल्ली में किराए के रूम पर रखकर उसके साथ यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने बताया कि 3 साल पूर्व में जिला संभल के युवक ने मेरे साथ प्रेम प्रसंग के चलते यौन शोषण 3 साल तक किया है। पीड़ित महिला ने बताया कि मैं उसकी मीठी बातों में आ गई और उसने मेरे साथ झूठी शादी कर डाली। कुछ दिन बाद जैसे ही मुझे झूठी शादी के बारे में पता चला तो मैंने उसका विरोध किया, जिसके चलते किराए पर रह रहे मकान में युवक दिल्ली में मुझे छोड़कर फरार हो गया और उसका घर भी अता पता नहीं चल सका। जिसके बाद मैंने अपने थाना क्षेत्र मैनाठेर में संभल जिले के युवक के खिलाफ यौन शोषण व उसके साथ उत्पीड़न करने के मामले में पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके चलते पुलिस ने मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया है लेकिन अभी तक आरोपी की कोई भी पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है। मैं पिछले 1 साल से थाने के चक्कर लगाते लगाते थक चुकी हूं, लेकिन कोई भी थाने में पुलिसकर्मी मेरी कोई भी गुहार सुनने को तैयार नहीं है, जिसमें आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। वह दबंग आरोपी उसके परिवार को व उसको जान से मारने की भी धमकी लगातार दे रहा है और कह रहा है कि यदि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया तो मैं तुझको मार दूंगा, जिसमें पीड़ित को अब अपनी और अपने परिवार की जान मान का खतरा बना हुआ है। बेटे, क्या मामला है जो आप थाने के चक्कर लगा रहे हो? सर, मेरी FIR जो दर्ज हुई है उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए मैं थाने के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो रही हूँ। क्या मामला है पूरा, क्यों, किसके खिलाफ FIR कराई है, क्या करता था वो? लड़के का नाम फरकान है, एचोड़ा कम्बू का रहने वाला है, थाना असमोली लगता है, जिला संभल। अच्छा, क्या हुआ था? सर, उसने साथी का झांसा देकर मुझसे निकाह किया था 3 साल पहले और 2 साल अपने साथ रखा दिल्ली के मकान में, और मेरे साथ गलत सलत भी करता रहा, मारता था, पीटता था, सब काम करता था। और उसके बाद में वो शादी का झांसा देकर 2 साल के बाद चला गया और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। एक बार मुझे पता चला था तो मेरे चाचा मेरी माँ उसके मकान पर गई थी और उस जब उसे पता चला कि मेरे चाचा मेरी बहन मतलब मेरे चाचा मेरी अम्मी आई है मकान पर, तो उसने बोला था कि आपसे दोबारा आए तो तेरे घर वालों को, तेरे चाचा तो बाहर काम करते हैं, मैं सबको मरवा दूँगा और मेरा तुझसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपने किसी आला अधिकारी से मुलाकात की है, मिलकर शिकायत की है कि उसके? मैं CO सर के पास भी गई थी, SHO सर के पास भी गई थी, कप्तान के पास भी गई थी, मैं सब जगह जा चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, क्या चाहती हो तुम? मैं फरकान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कराना चाहती हूँ। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर क्या है, मेरे पास तो मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, सरकार से कुछ मांग करना चाहोगी जो प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है आपकी? सर, मैं यही मांग करना चाहूँगी कि फरकान की गिरफ्तारी करें, अगर 376 में गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर कौन से केस में गिरफ्तारी होगी, मैं ये जानना चाहती हूँ। उसके कोई परिवार में है जो अब इस टाइम घर पे? कोई सर इस टाइम तो पता नहीं, मुझे पता नहीं।